नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 11वीं कक्षा के पेपर देने स्कूल गई नाबालिग छात्रा के गायब होने की सनसनीखेज खबर है। छात्रा के घर न लौटने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पुलिस मामला दर्ज कर कार्यवाही में जुटी हुई है, लेकिन 36 घंटे बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। छात्रा के गायब होने के पीछे 11वीं के ही नाबालिग छात्र पर आरोप लगाया गया है। दोनों एक ही गांव से हैं और दोनों ही पेपर में गैर हाजिर थे। गायब छात्रा अपने मामा के घर पढ़ाई करती थी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को ढूंढवाने में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पोल खुल रही है और स्कूल से बच्ची गायब हो रही है। गौरतलब है कि यह छात्रा एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। भांजी है जो पिछले 24 घंटे से लापता है और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और वो 11वीं में पढ़ती है और 11वीं का एग्जाम देने गई थी और स्कूल से ही अंदर जा करके वो बाहर गई हुई है। और ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना स्कूल प्रशासन कुछ कर रहा है। और हम दो दिन से बहुत परेशान हैं और ना हमने खाना खाया है और मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान। और मेरी भांजी मेरे घर पे रहती थी पिछले 3 साल से और हम बहुत दुखी हैं। हम हरियाणा सरकार से मांग चाहते हैं कि हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी तलाश किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ। और जहाँ ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटियां जब बची नहीं रही तो पढ़ाएंगे कैसे? तो हम सरकार से मांग चाहते हैं कि जो नारा दिया है उसको वो प्रयोग में लाएं। ऐसे कहने से बेटियां नहीं बचेंगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी ये मुकदमा को सोल्व करें। इनके परिवार वाले आए थे कि लड़की हमारी स्कूल में पढ़ती थी और 11th क्लास में, उसी क्लास का तो ताड़ी गांव का एक लड़का था। ये दोनों फोन पे बातें करते थे, इनका फोन पकड़ लिया था घर वालों ने, धमका दिया था लड़की को और लड़के को। और ये कल 12/4/2021 को स्कूल से दोनों चले गए। मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ जी, मामला दर्ज कर लिया गया है और CDR वगैरह निकलवाई जा रही है, कार्रवाई की जा रही है।